अरे विनय बेटा, आ गया बुड्ढा फिर से। नाश्ता भी नहीं करने देता है चैन से। जरूर अपनी कोई ना कोई फरमाइश लेकर के आया होगा। अरे बाबूजी आप आइए बैठिए। थैंक यू बेटा। हाँ जी बताइए बाबूजी क्या बात है। अरे बेटा मेरा ना चश्मा टूट गया था, तो बेटा पढ़ने लिखने में ना काफी दिक्कत होती है, तो मैं सोच रहा था बेटा नया चश्मा बनवा देता। ठीक है बाबूजी मैं बनवाता हूँ। ओफो, ये आदमी कभी भी खुद बुरा नहीं बनता, हमेशा मुझे ही बुरा बनना पड़ता है। लेकिन क्या करूं, अभी मना करती हूँ जाके बुड्ढे को। बाऊजी ये तो आपको मना करने से रहे, मैं ही आपको बता देती हूँ। हमारा हाथ बहुत टाइट चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से विनय को सैलरी भी कट के मिल रही है। 2-4 महीने तक हम आपका चश्मा नहीं बनवा सकते। लेकिन इनकी मैंने तुम्हें कुछ बोला बोलने के लिए। तो मैं क्या करूं, यहाँ बैठी बैठी बस ये तमाशे देखती रहूं? बाऊजी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि घर के हालात क्या है और हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और वैसे भी 2-4 महीने अगर ये अपनी धार्मिक किताबें और अखबार नहीं पढ़ेंगे ना तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा इनके ऊपर। लेकिन इनकी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ मुझे। यार तुम बिल्कुल केयरलेस हो, पता है ना प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग डेज के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दवाई ली थी तुमने अपनी? हाँ। यार तुमने फालतू का स्ट्रेस मत लिया करो, ज्यादा से ज्यादा आराम करो, समझ रही हो ना? हाँ अब ठीक हूँ मैं, हो जाता है कभी-कभी। आराम कर लेना ठीक से। और बाबूजी रिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी मैं आपका चश्मा नहीं बनवा पाऊंगा, थोड़ा रुक के बनवा दूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को बात करता हूँ आप लोगों से। मुझे भी बहुत काम है किचन में। क्या है ना दोस्तों, कभी कभी इंसान एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को नजरअंदाज करने लग जाता है, जो धीरे धीरे बड़ी समस्या बनने लग जाती है और रिश्तों में दरार का कारण बनती है। पता नहीं आज रिंकी को क्या हो गया था, कभी कभी तो ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। अब छोटी सी तो बात थी, लेकिन छोड़ो, अब प्रेग्नेंट है, कुछ बोल दूंगा तो उसका मूड अपसेट हो जाएगा और फिर बच्चे के ऊपर भी एक गलत असर पड़ेगा जो दुनिया में आया भी नहीं। मजबूर हो जाता है इंसान। हाँ दीपक। और दीदी क्या कर रहे हो? क्या कर रही होंगी, खाना बना रही हूँ, औरत हूँ ना, और कोई तो है नहीं इस घर में काम देखने के लिए, तो सारा काम मेरे सर पे पड़ा हुआ है। और ऊपर से ये लॉकडाउन, नौकरानी महारानी छुट्टी करके बैठी हुई है। पर आपको तो इस हालत में ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए ना। हाँ हाँ करना तो आराम ही चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत में ये कहा है, अगर रोटियां नहीं बनाई ना तो ये बुड्ढा जा जाके जगह जगह मेरी चुगलियां करेगा और लोग क्या बोलेंगे कि इसको इसकी माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है। पता है मेरे ना हाथ दुख जाते हैं इसकी रोटियां बना बना के, तीनों टाइम 4-4 रोटियां खाता है, मैं 2 खाती हूँ और ये देख बुढ़ापे में भी 4-4 खाता है। अच्छा ये सब छोड़, तू बता तूने कॉल क्यों किया था? अरे कुछ नहीं, बस हालचाल पूछने के लिए फोन कर लिया, और मम्मी ने भी कहा था कि अपनी बहन को बोल दियो कि ज्यादा से ज्यादा आराम करे, काम ना करे ज्यादा। अरे यार मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, पहले ये बुड्ढे को ना रोटियां दे आऊं। ये लो बाऊजी खाना। सुनो बेटा ये 2 रोटी वापस, आज एक ही खाऊंगा बेटा, भूख है। ठीक है। पता नहीं आज ये बुड्ढे को क्या हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आता, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। खैर सुन भी ली होगी तो मुझे क्या, कौन सा मैंने झूठ बोला था। सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी।
सफर मैं हूँ डैडी। आज लगे इतना हसी अपना जहां अपना समां। अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान बट यू लव मी डैडी। विनय बंसल जी को मेल करना तो कर दिया। विनय कहाँ खोया भाई? बंसल जी को मेल करना था कर दिया। मेल? भाई बंसल जी को सुबह 10:30 बजे मेल करना था, अब 1:30 बज चुके हैं। ओह सॉरी यार आशीष यार, मेरे दिमाग से उतर गया यार। कहाँ खोया रहता है विनय यार, और वो सुबह से देख रहा हूँ तो टेंशन में है यार। क्या बताऊँ यार, फैमिली की प्रॉब्लम है यार, इस चक्कर में ना दिमाग कहीं लग ही नहीं रहा यार। फैमिली को लेके मुझसे शेयर कर यार, शायद मैं कुछ मदद करूँ। अब बैठ यार, तुझे पूरी बात ही बताता हूँ। बता यार। तुझे क्या बताऊँ यार, सुबह ऑफिस आने लगा तो बाबूजी आ गए। वो बोले बेटा मेरा चश्मा टूट गया, मेरा चश्मा बनवा दे, मुझे अखबार पढ़ने में धार्मिक किताबें पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैं कुछ बोलता उससे पहले यार तेरी भाभी बोल पड़ी कि बाबूजी अभी तो चश्मा नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन में इनकी सैलरी कट के मिल रही है, 2-4 महीने का वेट कर लो। तो मैं फिर तेरी भाभी को कुछ बोलता इससे पहले उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, प्रेगनेंट है यार वो। तो बस वही बात है यार, फिर मैंने बाबूजी को मना कर दिया यार कि बाबूजी मैं चश्मा नहीं बनवा सकता, आप थोड़ा टाइम ऐसे ही इंतजार कर लो यार, और मैं ऑफिस आ गया। ऐसी सच बताऊं गलती तेरी है, जब तुझे पता है इस वक्त भाभी जी पेट से हैं, प्रेग्नेंट है, तो तुझे क्या जरूरत है ऑफिस की प्रॉब्लम उनसे शेयर करने की। ऊपर से तूने ये और बता दिया कि लॉकडाउन की वजह से सैलरी कट के मिल रही है, टेंशन में तो आएंगी ना यार, बोल देंगी कुछ ना कुछ। तू इतनी टेंशन मत लिया कर और मत डिस्कस किया कर उनसे ऑफिस की प्रॉब्लम। सही कह रहा है यार, गलती मेरी है यार, शायद मुझे ऑफिस की बातें ना ऑफिस में रखनी चाहिए, ऑफिस की टेंशन घर लेके जाने ही नहीं चाहिए यार। लेकिन यार बात दरअसल अब ये है कि यार मैं शाम को बाबूजी से आके कैसे मिलाऊंगा यार, अगर चश्मा बनवा दिया तो फिर रिंकी नाराज हो जाएगी, तो यार इसी दुविधा में फंस गया हूं मैं तो आज। देख उसका भी सोल्यूशन है, एक काम कर तू बाबूजी का चश्मा बनवा दे और भाभी जी को मत बता, और बाबूजी को बोल दे कि जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता वो चश्मे को छुप कर यूज करें, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो भाभी जी को बता देना, सिंपल। यार ये तो तूने सही आइडिया दिया यार, मैं ऐसे ही करता हूँ यार, चश्मा बना देता हूँ बाबूजी का और बाबूजी को मना कर दूंगा रिंकी को बताने के लिए, और जब सब ठीक हो जाएगा तो बता दूंगा। चल थैंक्स यार, तूने मेरी यार हेल्प कर दिया। चल कोई नहीं, टेंशन कम लिया कर और बंसल जी को मेल कर दे यार। अरे हाँ यार मैं कॉल कर रहा हूँ। चल करता हूँ यार। चल भाई। चल बाय। आ गए आप? हाँ। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी अपने कमरे में। मैं काम करूँ तो मेरे लिए चाय बनाओ, मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ। ठीक है। बाबूजी। बाबूजी। अबे विनय बेटा। बाबूजी वो ये मैं आपके लिए चश्मा लेके आया था। पर बेटा। अरे बाबूजी रख लीजिए, मुझे पता है आपको चश्मे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिंकी को इसके बारे में ना पता चले अभी, क्या है ना बाबूजी आप थोड़ा सा इसे ना छुपा के इस्तेमाल करना, मैं नहीं चाहता बात का पतंगड़ बने और वो ओवर रिएक्ट करे, इसका असर बच्चे के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। ये विनय बुड्ढे के कमरे में क्या करने गए हैं? कहीं इसने मेरी बुराई तो नहीं करी? वैसे भी है तो पूरा का पूरा लुगाई, पता तो मैं करके ही रहूंगी। तो कितना अच्छा है ना बेटा, भगवान करे कि हर माँ बाप को तेरे जैसी औलाद मिले, खुश रह बेटा। अरे बाबूजी आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा।
अरे रिंकी, चाय हो गई? बस लाई 2 मिनट में। हाँ, रूम में ही ले आना। ठीक है। थैंक यू। ये चाय पी रहे हैं और बुड्ढा वॉशरूम गए हैं। यही सही टाइम है बुड्ढे के कमरे में जाके चेक करने का। अच्छा, तो ये बुड्ढे के लिए नया चश्मा ले ही आए, मेरे मना करने के बाद भी। अब देखो, अब बताती हूँ मैंने कि मैं हूँ क्या चीज। बाऊजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। ये चश्मा कहाँ से आया आपके पास? बेटा वो तो बोलो, अब क्यों बोलती, क्यों बंद हो गई आपकी? सुबह से तो आप घर पे पड़े हुए हो, फिर ये चश्मा कहाँ से आया आपके पास? कहाँ से आ गया ये चश्मा? बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? बाऊजी का चश्मा तो टूट गया था ना, तो ये नया चश्मा कहाँ से आया? मैंने लाके दिया इनको चश्मा। क्यों, तुम तो सुबह मना कर रहे थे ना? सुबह मैंने मना नहीं किया था, तुमने मना किया था। इनफैक्ट तुमने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया, और जैसे कुछ बोलता तुम्हारे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया और फिर मैं ऑफिस चला गया। हाँ तो क्या गलत बोला मैंने? तुम तो इस घर के बारे में सीरियस होकर के कुछ सोचते नहीं हो, तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। और वैसे भी बाऊजी को सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, लेकिन इनको, इनको तो कोई शर्म है ही नहीं, रोज नई नई फरमाइश लेकर के आ जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि तुम इनकी फरमाइश पूरी करने में ये घर बेच दो और मेरा बच्चा झोपड़ी में पैदा हो। बेटा तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, और वैसे भी ये हम पति पत्नी के बीच का मैटर है। वैसे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारा रिश्ता तुड़वाने में। रिंकी, अपनी जबान को ना लगाम लगाओ, पिता है वो मेरे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पे हाथ उठाने की? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए कि एक औरत पे हाथ उठाए? बहू गुस्से में जरूर है, लेकिन इस घर के बारे में कितना सोचती है। आज तूने मेरा सर शर्म के मारे झुका दिया विनय। बेटा तू बैठ जा। बेटा अपने बेटे की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूं। तू बेटा गुस्सा मत करा कर, ये तेरे और तेरे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और तू आज के बाद अगर तूने बहू पे हाथ उठाया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसके माँ बाप से हाथ जोड़कर मैं इसको घर की बहू बना के लाया था, और इसलिए नहीं ताकि तू इस पे हाथ उठाता रहे। और अब मेरा मुंह क्या देख रहा खड़े खड़े, जा बहू के लिए पानी लेके आ। नहीं, रहने दीजिए, मुझे पानी नहीं चाहिए। बाऊजी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पिता समान ससुर जी के साथ इतना घटिया बिहेवियर किया, शायद भगवान भी मुझे कभी माफ ना करे। आज मैं अपनी खुद की नजरों में इतना गिर गई हूँ। बाऊजी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती। अरे बेटा तुम माफी मत मांगो, अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है, और अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ बाप बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं। और बेटा मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और हमारा परिवार सदा सुखी रहे। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है रिंकी, लेकिन आज जो तुमने बिहेव किया वो सच में बहुत गलत था, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या है ना रिंकी, जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, वो सिर्फ सम्मान के भूखे होते हैं। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए, और बदले में अगर हम उन्हें सम्मान नहीं दें, उल्टा बोलें, तो उन बेचारों की तो सारी मेहनत ही विफल हो जाएगी। वैसे भी घर के बुजुर्ग तो बच्चों की तरह होते हैं, प्यार के भूखे। अब खुद ही सोचो, कल को जो हमारा बच्चा होगा, अगर वो हमारे साथ में गलत बिहेव करेगा, गलत बर्ताव करेगा, तो हम तो टूट ही जाएंगे ना। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात को समझ रही होगी।
और आप भी। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, और हमारे पेज और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको हमारी वीडियो जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।